नमस्ते बच्चों, हमारे देश में कितनी ऋतु है? तीन ऋतु है। कौन कौन से हैं? गर्मी, वर्षा और सर्दी। शाबाश। उन ऋतु में से हमारा वर्षा ऋतु सबसे मन पसंदीदा ऋतु है। बच्चों, वर्षा ऋतु में क्या होता है? बारिश गिरती है, तो आज हम ऐसे ही बारिश की बूंदों का मजा लेंगे। आज हम दूसरा पार्ट बूंदे यह कविता पढ़ेंगे। बूंदे कविता का कवि कौन है? कवि रोहिताश्व अस्ताना जी है। बच्चों, दिखाई दे रहे ना, बारिश की बूंदे गिर रहे आपको इस चित्र में। शाबाश। पहले हम कविता पूरे हाव भाव और लय से पढ़ेंगे ना। शाबाश, पढ़ते हैं तो चलो देखते हैं। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। तो बच्चों, सबको पढ़ने में मजा आया? शाबाश। अब हम इस कविता का अर्थ बारी बारी से जानेंगे। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। बच्चों, जब बारिश गिरती है तब बारिश की बूंदे धरती पर रिमझिम गाकर आती है। धरती यानी कि जमीन, मतलब वो जब बारिश आती है, जब बारिश की बूंदे आती है तब वो जमीन पर गाकर आती है, मतलब गाती हुई आती है। बच्चों, बूंदे कैसे गाती है? रिमझिम गाती हुई धरती पर आती है। शाबाश। अब दूसरा देखते हम लोग। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बच्चों, बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? कहाँ कहाँ? जब बारिश आती है तब बारिश की बूंदे खेतों में, दिखाई दे रहा है खेतों में हरियाली फैला हुई, फिर बागों में दिखाई दे रही है ना, और मैदानों में हरियाली फैलाती है। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मैदान में हर जगह तुम लोग को हरियाली दिखाई नजर दिखाई दे रही है। शाबाश। तो इस चित्र में हम लोगों ने क्या देखा कि हर जगह पर यानी कि जमीन पर क्या दिखाई नजर आ रही है? हरियाली। अब दूसरा देखते हम लोग। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। बच्चों, जब बारिश की बूंदे धरती पर आती है तो वह किधर किधर जाती है? तो वह बूंदे सीधा धरती से नालों में, और फिर नालों में से किधर जाती है? नदियों में। नदी मतलब सरिता, और फिर दिखाई दे रहे हैं ना, नदी पूरी, नदी में बाढ़ आई है, फिर वो पूरी बाढ़ से चित्र में दिखाई दे रहा है। शाबाश। फिर वो और अंतिम में वह बूंदे सागर में मिलती है, सागर यानी कि समुन्दर में, दिखाई दे रहा है चित्र में भी बूंदे कैसी जा रही है, किस में जा रही है? सागर में। शाबाश। बूंदे कहाँ मिल जाती है? अंत में बूंदे कहाँ मिल जाती है? सागर में। बहुत अच्छे। अब अगला है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। देखो बच्चों, वर्षा ऋतु के पहले कौन सा ऋतु आता है? कौन सा? गर्मी।
यानी कि गर्मी की ऋतु में सब लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, इसलिए वह बूंदे गर्मी से तपते लोगों को क्या पहुंचाती है? शीतलता। शीतलता यानी कि ठंडक। देखो इस चित्र में कैसा एक आदमी क्या हो रहा है, गर्मी से परेशान हो रहा है ना। तभी जब वो बारिश आती है तब वो बारिश क्या लेके आती है? शीतलता यानी कि ठंडक लेके आती है। देखो एक लड़की बारिश का मजा ले रही है, दिखाई दे रहा है कितनी खुशी से वो खुशी के मारे नाच रही है ना बारिश में, और बूंदों का मजा भी ले रही है। शाबाश। अब अगला चित्र है, मेंढक मोर पपी कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। बच्चों इस चित्र में तुमको दिखाई दे रहा है कि मेंढक मोर है, मोर भी है, फिर पपिया है, सबके सब कैसे हो रहे हैं? खुश। यानी कि बूंदे उन सबका मन हर्षाती है। बच्चों ज्यादातर बारिश के मौसम में ये सब पक्षी खुश होकर नाचते और गाते हैं, क्योंकि उन सबको बारिश की बूंदे अच्छी लगती है। समझ में आ रहा है? देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना सबके सब कितनी खुश है। शाबाश। अब अगला, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई मतलब पूरब से आने वाली हवा। बच्चों इस चित्र में तुमको दिखाई दे रहा है कि जो बारिश की बूंद है वो किस में बैठकर आ रही है? किसमें? पुरवाई के रथ पर ना, दिखाई दे रहे हैं ना पुरवाई के रथ पर बैठकर आ रही है, और वह बूंदे जब आती है तब वह इटलाती हुई और मुस्काती हुई यानी कि हंसती हुई धरती पर आती है। देखो इस चित्र में रथ में एकदम खुश होकर और नाचती हुई वो बैठकर हंसती हुई आ रही है, और जैसे कि वो खुद क्या चला रही है, रथ को चला रही है। तो बच्चों आपको समझ में आया कवि इस बूंदी कविता में हम लोग को क्या बताना चाहते हैं? समझ में आया? शाबाश। तो बच्चों ध्यान से सुनिए कि यह कविता आपको एक बार आपके कापी में यानी कि नोटबुक में लिखना है। शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।